पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल राजा ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी एक्ट्रेस का इस्तेमाल देश के बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने के लिए किया करते थे। आदिल लंदन में रहते हैं और पूर्व सैन्य अधिकारी और पूर्व सैनिकों की सोसाइटी के प्रवक्ता रह चुके हैं। आदिल रजा ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर और ISI चीफ रह चुके जनरल फैज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सैनिक के अनुसार बाजवा और फैज अभिनेत्रियों को खुफिया एजेंसी के मुख्यालय या सेफ हाउस में बुलाते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। हालांकि उन्होंने किसी अभिनेत्री का नाम खुलकर नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने नाम का पहला अक्षर बता इशारा जरूर किया है। बता दें कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर आदिल रजा सोल्जर स्पीक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसी चैनल पर उन्होंने अपनी बात कही है। आदिल रजा के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। आदिल रजा के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। विवादों में घिरते रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने जिन नामों को बताया है उन नामों में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कई मॉडल्स और अभिनेत्रियां हैं। पाकिस्तानी अभिनेत्री सजल अली ने आदिल रजा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारा देश नैतिक रूप से दूषित और बदसूरत होता जा रहा है। चरित्र हनन मानवता और पाप का सबसे बड़ा और बुरा रूप है। वहीं कुबरा खान ने आदिल रजा के ये दावे की कड़ी निंदा की है, जिसका जवाब आदिल ने ट्वीट करके लिखा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा था।